आसमान में दो परियों के बीच लड़ाई हो रही थी। एक छोटी परी कमजोर पड़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ एक परी ताकतवर थी। छोटी परी मदद की गुहार लगाती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ये बुरी परी मुझे मार डालेगी। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन आज बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, तुम मरोगी। लेकिन मेरी गलती क्या है जो आप मुझे मारने पर तुली हो? जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ वो तुझे पसंद करता है, इसीलिए अब तुझे मारना ही होगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। परी बहुत डरी हुई थी, वो लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजरती है, मदद की गुहार सुनकर परी के पास आती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, ये बुरी परी मुझे मार डालेगी। अब ये क्या, छोटी सी चिड़िया तुम्हें बचाएगी? देती रहो, अपने मन को झूठी तसल्ली देती रहो। परी जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं छोटी जरूर हूँ लेकिन आपकी मदद जरूर करूँगी। आप बताएं मुझे क्या करना होगा? छोटी चिड़िया, हमारे झगड़े के बीच मेरी छड़ी नीचे गिर गई, आप कृपया कर वो छड़ी ढूंढ कर ला दें, मैं तभी इस बुरी परी से बच पाऊंगी। चिड़िया तुरंत वहां से लौट जाती है, वो तो हर हाल में अच्छी परी की मदद करना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी उड़ती है और छड़ी को यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू करती है। अब उस छोटी सी छड़ी को कहाँ ढूंढूं? परी की जान खतरे में है, मुझे कैसे भी करके ढूंढना ही होगा। ऐसे छड़ी को ढूंढते हुए चिड़िया नदी के पास चली जाती है तो परी की जादुई छड़ी उसे नदी किनारे दिख जाती है। वो तुरंत ही छड़ी लेकर आसमान में ऊंची उड़ती है और दूर से देखती है, बुरी परी तो फल खाने में व्यस्त थी। वो जल्दी से अच्छी परी को छड़ी वापस करती है, परी आजाद हो जाती है। परी, अब तुम बंदी बनने को तैयार हो जाओ, मेरी जादुई छड़ी मुझे मिल गई है। इतना कहते ही वो अपने जादू से शैतान परी को उल्टा बांध देती है और उसकी जादुई छड़ी भी छीन लेती है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मेरी छड़ी लौटाकर मेरी जान बचाई, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। परी जी, इसमें आभार कैसा, मुसीबत में तो हर किसी की मदद करनी चाहिए। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और ऐसी बुरी परियों से हमेशा दूर रहना। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने जंगल लौट आती है। मम्मा मम्मा, दाना कहाँ है? आज आप दाना नहीं लेकर आई, हम क्या खाएंगे? बच्चों, आज मैंने एक छोटी परी की जान बचाई, बस इसी कारण मैं दाना ना ला सकी। आप घर में बैठे, मैं कव्वों के घर से थोड़ा दाना मांग कर लाती हूँ। ऐसे बोलकर चिड़िया दरवाजे से ही लौट जाती है। अचानक से मौसम खराब हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया जल्दी जल्दी कालू गोरी का दरवाजा खटखटाती है। कालू गोरी, जल्दी से दरवाजा खोले, मैं हूँ रानो चिड़िया। कालू जी, बारिश अभी शुरू नहीं हुई और ये रानो चिड़िया आ गई उठा के, पहले ही समझा देती हूँ, दाना वाना ना देना इसे, बारिश का क्या पता, ना जाने कब जाके रुके। ठीक है, मगर दरवाजा तो खोल दूँ, वो बारिश में भीग रही है। फिर दोनों कौवे दरवाजा खोलते हैं। चिड़िया उसे भोजन ना लाने की पूरी बात बताती है। अरे रे रे, क्या कहानी बनाई है, जितना समय ये कहानी बनाने में लगाया है, अगर उतना समय मन लगाकर दाना ढूंढा होता तो मांगने की नौबत ना आती। गोरी बहन, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तो कभी दाना ही ना ढूंढती हूँ। अगर दाना ढूंढती तो हमारे घर मांगने ना आती। अब जाओ यहाँ से, बारिश में मेरा दिमाग खराब मत करो। चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो कबूतर के घर जाती है, वहाँ से थोड़ा दाना चिड़िया को मिल जाता है। वो जल्दी जल्दी आकर अपने बच्चों का पेट भरती है। मम्मा, ये दाना तो हम ही खा गए, अब आप क्या खाओगी? गुड़िया कुकू, आपने खा लिया, समझो मेरा पेट भर गया, अब मैं सुकून से सो पाऊंगी। अगर तुम दोनों भूखे रह जाते तो शायद पूरी रात में सो ना पाती। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है और खुद भूखे पेट होने के बाद भी आराम से सो जाती है। सुबह हो गई थी लेकिन बारिश तो और जोरों से पड़ रही थी। मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है, कल तो बच्चों का पेट जैसे तैसे भर दिया लेकिन आज कैसे भरूंगी? नहीं, मुझे इस बारिश की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपने बच्चों की भूख के बारे में सोचना होगा, मैं जाती हूँ। ऐसे मम्मा चिड़िया बारिश में अपने घर से निकल जाती है। दोनों कौवे तो खिड़की से चिड़िया का खूब मजाक बनाते हैं। काम चोर चिड़िया, बारिश होने से एक दिन पहले हम दोनों ढेर सारा दाना लाए थे, अगर तू भी थोड़ा मेहनत करती तो अपने बच्चों को भूखा ना मारती, बेचारे छोटे बच्चे पता नहीं क्या खाएंगे। गौरी, मैं
मैं कोई काम चोर नहीं हूँ। मैंने सच में एक परी को बचाया था, बस इसी कारण दाना ना ला सकी। पर मैं तुमसे बातें कर अपना समय क्यों जाया कर रही हूँ, मुझे तो दाना लाना है, मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर चिड़िया आगे बढ़ जाती है। वो खूब मेहनत करके दाना ढूंढती है, मगर बारिश से उसे कहीं भी दाना नहीं मिलता। वो हार थक कर घर वापस आती है तो उसके दोनों बच्चे पेड़ की डाल पर बैठे रो रहे थे, क्योंकि चिड़िया का घर तो टूट चुका था। देखो देखो कालू, कमजोर चिड़िया का कमजोर घर पहली ही बारिश में टूट गया। मुझे तो बच्चों पर बड़ी दया आ रही है। गौरी, अगर सच में ही दया आ रही होती तो मेरे बच्चों को ऐसे बारिश में भीगते ना देखती, उन्हें घर के अंदर ले लेती। मेरा घर कोई धर्मशाला थोड़े ना है जो चिड़िया के बच्चों के लिए फ्री है। अब जाओ यहाँ से, कहीं पहाड़ों में रात बिताओ, मगर ध्यान रखना, भूखे चील भी रहते हैं वहाँ। ऐसे बोलकर गौरी का भी खिड़की बंद कर लेती है। मम्मा, हम पहाड़ों में नहीं जाएंगे, मुझे चीलों से बहुत डर लगता है, कहीं वो हमें खा गए तो। नहीं नहीं मेरे बच्चों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पहाड़ों में लेकर कभी नहीं जाऊंगी। ये गौरी तो ऐसे ही बोलती है, आप ध्यान ना दो। लेकिन मम्मा, अब हम कहाँ रहेंगे, बारिश में मुझे ठंड लगी है, मैं और नहीं भीग सकती। बच्चों, आप यहीं पर रुको, मैं आपके लिए कुछ करती हूँ, कहीं मत जाना। ऐसे बोलकर चिड़िया अपने बच्चों के लिए आशियाना ढूंढती है, मगर बारिश की धुंध के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हे ऊपर वाले, मैं सबका भला करती हूँ, फिर भी आप मुझे ही तकलीफ देते हो, आखिर क्यों? चिड़िया बारिश में रोई जा रही थी, तभी वो छोटी परी उसके पास आती है। अरे, आप तो वही चिड़िया हो जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी, मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, तुम्हें धन्यवाद के सिवा कुछ नहीं दिया। बोले चिड़िया, आप यहाँ क्यों रो रही हो? चिड़िया उसे सारी बात बताती है। चलो चिड़िया, जल्दी से अपने बच्चों के पास चलो, मैं वहीं चलकर कुछ करती हूँ, नन्हे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। फिर वो भागी भागी अपने बच्चों के पास आती है। परी अपनी जादुई छड़ी से एक बड़ा जादुई सेब घर बनाती है। बच्चे तो जल्दी जल्दी सेब के घर के अंदर चले जाते हैं। छोटी चिड़िया, अब आपको घर और भोजन की कोई चिंता नहीं, यहाँ ढेर सारा भोजन है, और ये घर कोई मामूली घर नहीं है, कितना भी तेज आंधी तूफान आए ये कभी नहीं टूटेगा। ऐसे बोलकर परी वहाँ से लौट जाती है। दो तीन दिन बीत जाते हैं, बारिश बिल्कुल नहीं रुकती। जंगल में पानी भर चुका था, कौवों का घर तो पानी में बह जाता है, वो जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। कालू, ये सेब का घर किसका है जो इतनी बारिश में टिका हुआ है? ऐसे वो दोनों सेब घर का दरवाजा खटखटाते हैं। चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, तुम जल्दी से इस घर के मालिक को बुलाओ, हमें घर में रहना है, बाहर पानी पानी भरा पड़ा है। गौरी, ये घर मेरा है और ये उसी परी ने दिया है जिसकी मैंने कभी मदद की थी। अब तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अपने घर में कभी नहीं आने दूंगी। प्लीज चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो और घर के अंदर ले लो, हम पर थोड़ी दया करो। नहीं, मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं आने दूंगी। तुम दोनों को तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों पर भी दया नहीं आई थी, और मुझसे उम्मीद करते हो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। भाग जाओ यहाँ से, मेरे घर से दूर हो जाओ। ऐसे चिड़िया कौवों को घर में नहीं आने देती, दरवाजा बंद कर लेती है। कौवे तो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे, वो बारिश में ठुठुर ठुठुर कर मर जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका धन्यवाद। कालू कौवा, टुन्नू चूड़ा और कबूतर तीनों साइकिल पर गुड़ बेचने जाते। उनकी पत्नियां गन्ने के रस से दिन भर में गुड़ तैयार करती, वो बहुत मेहनती थी। जग्गू की मम्मी, मैंने सोचा है इस बार दो खेत किराए पर ले लूं। क्या कहा, मैं तो एक खेत के गन्ने का गुड़ बनाने में ही थक जाती हूँ, और तुम दो दो खेतों का सोच रही हो? गौरी बहन, थक तो मैं भी बहुत जाती हूँ, पर क्या करूं? चार चार बेटी हैं, इनकी खातिर सब भूल जाती हूँ। दो खेत होंगे तो चार पैसे ज्यादा ही कमेंगे। रानो बहन, आपके अंदर हिम्मत बहुत है, वरना एक खेत का काम ही थका देता है। वो तीनों ऐसे बातें कर अपने अपने खेतों से गन्ने काटती हैं और अपनी बैलगाड़ियों को गन्नों से भरकर घर लाती हैं और रात होने तक गुड़ बनाती हैं। सुबह होते ही उनके पति दूर गांवों में गुड़ बेचने चले जाते हैं। मीठा मीठा गुड़ ले ले, ताजा ताजा गुड़ वाला, स्वादिष्ट स्वादिष्ट गुड़ ले ले। गुड़
केला, ताजे ताजे गुड़ ले लें, एकदम शुद्ध गुड़ ले लें। वो तीनों ऐसे अपने अपने गुड़ लेकर मंडी में बैठे थे, तब एक बनिया पक्षी टुन्नू चिड़े के पास आता है और उसका गुड़ खा कर देखता है। अरे आपका गुड़ तो बहुत स्वादिष्ट है, मेरी किराने की दुकान है, सारा गुड़ ले लूंगा, जरा रेट सही सही लगा दो। बनिया जी आप 1 किलो गुड़ पे 5 रुपए कम दे दें, मैं अभी सारा गुड़ आपकी बैलगाड़ी में रख देता हूँ। नहीं नहीं मुझे 1 किलो पे 10 रुपए चाहिए, राजी हो तो रख दे, वरना और भी गुड़ वाले हैं, उनसे खरीद लूंगा। टुन्नू चिड़ा थोड़ी सोच में पड़ता है और फिर सारा गुड़ उस बनिए की बैलगाड़ी में रख देता है, वो उसे पैसे देकर चला जाता है। क्या बात है टुन्नू चिड़े, आज तो आते आते ही तुम्हारा सारा गुड़ बिच गया। हाँ कालू कव्वे, एक बनिया सेठ आया था, वो मेरा सारा गुड़ ले गया, बोल रहा था अपनी दुकान में बेचेगा। ऐसे टुन्नू चिड़ा खुशी खुशी घर चला जाता है। रानो चिड़िया उसे दूसरे खेत का विचार बताती है, टुन्नू भी राजी हो जाता है। वो साहूकार से बात करने जाते हैं और दूसरा खेत भी किराए पर ले लेते हैं टुन्नू जी आप गंगा पार वाले जंगल से गन्ने की पौध लाना, सुना है वहाँ के गन्ने बहुत रसीले होते हैं और मोटे भी, उनसे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। फिर टुन्नू चिड़ा ऐसा ही करता है, वो सुबह सवेरे ही गंगा पार वाले जंगल निकल जाता है और गन्ने के पौध लाता है। वो दोनों पति पत्नी अपने खेत में गन्ने बो देते हैं, समय के साथ गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। रानो चिड़िया अब एक मजदूर रख लो, दो दो खेतों का काम आप अकेले से नहीं संभलेगा। गौरी बहन मैं कर लूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो मजदूर भी रख लूंगी, अभी तक तो सब ठीक ठाक है। अब रानो चिड़िया अपने खेतों पर सबसे पहले जाती और दोगुने गन्ने काट कर लाती, वो जरा भी आराम नहीं करती, दोगुना गुड़ बनाती। टुन्नू का मुनाफा भी बढ़ने लगा था। अब टुन्नू ने गुड़ बेचने के लिए एक मोटर बाइक भी खरीद ली थी। रानो जी अब तो मेरे जरा भी पंख नहीं दुख, मोटर बाइक जो है यूं जाता हूँ और यूं आ जाता हूँ, आप चाहें तो कितना भी गुड़ बना सकती हो, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोलकर टुन्नू चिड़ा अपनी मोटर बाइक उठाता है और गुड़ भरकर वहां से चला जाता है। रानो चिड़िया अपनी बेटियों के साथ खेत पर चली जाती है, वो सब खूब मेहनत करते और ढेर सारे गन्ने काट कर लाते। अब टुन्नू चिड़ा दिन में 2 बार गुड़ बेचने जाता। रानो बहन आपने दूसरा खेत लेकर बहुत अच्छा काम किया है, कालू बता रहा था तुम्हारी कमाई 1 दिन की 10,000 रुपए तक हो जाती है। हाँ गौरी बहन सब मेरी बेटियों की किस्मत का है, तभी तो मैंने ये सब सोचा, अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी मेहनत रंग लाई। ऊपर वाला करे तुम हमेशा खुश रहो, आखिर इस जंगल की सबसे मेहनती चिड़िया हो। ऐसे उनके दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। फिर एक दिन टुन्नू चिड़ा गुड़ बेचने अपने गांव जाता है, वहां उसकी मुलाकात एक जमींदार से होती है जो किसी समय उसकी बेटी को पसंद किया करता, लेकिन जब वो बहुत गरीब था। अरे वाह टुन्नू, तेरे पास मोटर बाइक, लगता है किराए पर लाए हो। नहीं नहीं अंकल जी, ये तो मेरी खुद की मोटर बाइक है, गुड़ का बहुत अच्छा कारोबार है मेरा, 1 दिन के 10,000 रुपए कमा लेता हूँ। 10,000 का सुनके तो जमींदार चौंक जाता है। अच्छा अच्छा, तो मेरी बेटी सुंदरी का हाथ मांगने आए हो, मैं तैयार हूँ। सुंदरी बेटी जल्दी बाहर आओ, देखो कौन आया है। सुंदरी चिड़िया तो टुन्नू चिड़े को देखकर खुश हो जाती है और शादी के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। टुन्नू चिड़ा भी कुछ नहीं बोलता, मंदिर में शादी भी हो जाती है, वो उसे अपने घर लेकर आता है। टुन्नू जी ये पक्षी कौन है, आप किसको लेकर आ गए। रानो ये मेरा पहला प्यार है जिससे मैंने आज शादी कर ली। रानो चिड़िया को तो धक्का सा लगता है, वो सहम जाती है। टुन्नू जी आपने मेरे बारे में 1 बार भी नहीं सोचा, जो मेरी सौतन ले आए, अब मैं यहाँ 1 पल भी नहीं रुकूंगी, मैं चली जाऊंगी। रानो चिड़िया अपना सामान बांध लेती है, दो बेटी उसके साथ चली जाती है, तो दो अपने पिता के साथ रहना चाहती है। रानो घर से चली जाती है, टुन्नू चिड़ा तो उसे 1 बार भी घर से रोकने की कोशिश नहीं करता। पति जी आपने 1 बार भी नहीं बताया आपकी शादी हो गई है, पर कोई बात नहीं अब तो वो चली गई है, मुझे क्या, हम और भी आराम से रहेंगे। ऐसे समय गुजरता गया, सुंदरी कवि को गुड़ बनाना नहीं आता था, उसकी
दो बेटियां काम को संभाले हुई थी। समय के चलते उनकी शादी हो जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद टुन्नो का काम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। उसका गुड़ कोई नहीं खरीदता। सुंदरी, अब तुम कैसा गुड़ बनाती हो? कोई भी नहीं खरीदता, मोटर बाइक का तेल का खर्चा भी नहीं निकलता। पति जी, मैं बहुत अच्छा गुड़ बनाती हूँ, बाजार में ही मंदी होगी तो मेरा क्या कसूर? ऐसे टुन्नो चुड़ा अपनी मोटर बाइक पर चला जाता है, मगर थोड़ा भी गुड़ नहीं बेच पाता। वो सारा गुड़ लेकर वापस आता है। ये क्या पति जी, घर में राशन का एक दाना भी नहीं है और अब खाली पंख ही आ गए, हम क्या खाएंगे? कहाँ से लाता? एक किलो गुड़ भी नहीं बेचा, जैसा लेकर गया था वैसा ही रखा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम भूखे मरेंगे। मुझे क्या सुना रहे हो? भूखे मरोगे तुम? मैं तो चली अपने मायके। ना सुंदरी जी, ऐसा ना करे, तुम मेरी दूसरी पत्नी हो। तुम भी चली गई तो मैं कैसे रहूंगा? मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर कहीं ना जाओ। कान खोल के सुन लो, तुम भी मेरे दूसरे पति हो। मेरा पहला पति नशेड़ी गंजेड़ी और अब तुम ठहरे बेरोजगार। इतनी गरीबी में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तो चली। ऐसे सुंदरी टुन्नो को छोड़कर चली जाती है। वो तो बिल्कुल ही अकेला हो गया था। उसे रानो चिड़िया की बहुत याद आ रही थी। वो ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और उससे माफी मांगते हुए सब बता देता है। प्लीज रानो जी, घर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। टुन्नो जी, अब कुछ भी क्यों ना हुआ हो, गलती सब आपकी थी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब आप लौट जाएं और कभी दोबारा मेरे पास मत आना। रानो, मैं अकेला हो चुका हूँ, जी कर क्या करूँगा? मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदा भी नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ मरने। रानो चिड़िया तो अभी भी उसे अपना पति मानती थी। वो ऐसी बातें सुनकर घबरा जाती है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। टुन्नो तो फूट फूट कर रोए जा रहा था। आप ऐसे रोना बंद करें, जो हुआ सब भूल जाओ और कभी भी मरने की बात ना करना। ऐसे रानो चिड़िया अपने पति के साथ उसके जंगल लौट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे गहरा होता है। किसी तीसरे की वजह से अपने रिश्ते को ना तोड़े, वरना पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। आपका धन्यवाद। गरीब मम्मा चिड़िया की दो बेटी थी, गुड़िया और जुलको। दोनों ही बहुत सुंदर थी। गुड़िया बेटी, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो मेरी टोकरी बनवाने में कुछ मदद करो, मुझे इन्हें बेचने बाजार भी जाना है। हाँ हाँ माँ, मैं करवाती हूँ। लेकिन जुलको दीदी कहाँ गई है? वो सूखी पताई लेने जंगल गई है। जब देखो काम काम, जरा भी आराम नहीं मिलता। और माँ भी ना, ये सूखी पताई लेने के लिए मुझे ही बोलती है, उस गुड़िया को क्यों नहीं बोलती? इस तरह से जुलको चिड़िया गुस्से में खुद से बातें करती है। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, माँ से कह दूंगी, पताई बेनने में देर हो गई। ऐसे जुलको वहीं पर लेट जाती है। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर एक अमीर चिड़ा आता है। आप कौन हो और मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? मेरा नाम मोनू है, मैं अक्सर यहाँ आता जाता रहता हूँ। अब आप बताओ, यहाँ क्यों सोई हो? मेरी माँ टोकरी बना के बेचती है, मैं यहाँ सूखी पताई लेने आई हूँ। थक गई तो आँख लग गई, मुझे अब घर जाना है। मेरी हवाई मोटर में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर जुलको उस अनजान पक्षी की हवाई मोटर में बैठ जाती है। वो रास्ते भर बातें करती है। बस बस, यहीं रोक दे, मेरा घर आ गया। आपसे मिलके अच्छा लगा, क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? बेटी, आपके साथ ये पक्षी कौन है? आंटी जी, मैं बताता हूँ, मेरा नाम मोनू है, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप हाँ कहें तो। लेकिन बेटा, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ और मैं बहुत गरीब हूँ और देने के लिए भी कुछ भी नहीं। आप तो अच्छे परिवार से हो, मेरी गरीब बेटी से शादी करके कुछ नहीं मिलेगा। आंटी जी, मैं दहेज का भूखा नहीं हूँ, मैं कमाता हूँ और आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। बेटी, आपको मोनू पसंद है? हाँ माँ, जैसा आपको ठीक लगे। ये बात सुनकर मोनू का चेहरा खुशी से खिल जाता है। मम्मा चिड़िया भी खुश थी। फिर कुछ ही दिनों में मोनू चिड़िया की शादी जुलको के साथ हो जाती है। वो उसका बहुत ख्याल रख। समय बीतता गया। गुड़िया बेटी, हमारी जुलको बहुत खुश है, लेकिन अपने ससुराल जाकर वो हमें तो बिल्कुल ही भूल गई। हाँ माँ, दीदी को एक अमीर परिवार जो मिला है, इसलिए वो हम सबको भूल गई। गुड़िया,
बेटा मैं तो बूढ़ी हो रही हूँ, तेरी भी किसी अच्छे चिड़े से शादी कर दूँ तो मेरे सर से ये भारी बोझ उतर जाए। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगी। अगर मैं भी चली गई तो आपका ध्यान कौन रखेगा? अरे गुड़िया, शादी से पहले सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन मुझे तेरी बहुत चिंता है। ऐसे रानो अपनी छोटी बेटी के लिए भी रिश्ता ढूंढ लेती है। उसे एक गरीब परिवार मिलता है जिससे वो गुड़िया की शादी तय कर देती है। वो शादी का कार्ड लेके जुलको के भी घर जाती है। बेटी जुलको, तूने तो हमें बिल्कुल ही बुला दिया। ये लो गुड़िया की शादी का कार्ड, मुझे अभी से चलना होगा। मेरे साथ काम में हाथ भी बटाना है क्योंकि मुझे तेरी जरूरत होगी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। नहीं माँ, एक हफ्ते पहले मैं नहीं आ पाऊंगी। मोनू जी का सुबह सुबह का खाना कौन बनाएगा? नहीं मेरी बेटी, तेरी बहन की शादी है, अगर तू ही नहीं चलेगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा? माँ, अब इतने बड़े घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं इसे छोड़कर तो नहीं आ सकती। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो शादी वाले दिन जरूर आ जाना, तेरी बहन तुझे बहुत याद कर रही थी। ऐसे बातें कर मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे एक हफ्ते का समय निकल जाता है और शादी वाला दिन भी आ जाता है, लेकिन जुलको वहाँ पर नहीं पहुँचती। अरे आज तो गुड़िया की शादी है, तुम जा नहीं रही? मोनू जी, मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का। अरे ये कैसी बातें करती हो, तुम्हारी बहन की शादी है, तुम्हें तो जाना चाहिए था। ओहो मोनू जी, आप भी माँ की तरह ही मेरे पीछे पड़ गए, मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना। देखे माँ, पूरी शादी हो गई लेकिन जुलको बहन नहीं आई। हाँ बेटी, वो अमीर हो गई है इसलिए हमारे लिए उसके पास जरा भी समय नहीं। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया की विदाई कर देती है। गुड़िया अपने ससुराल में चली जाती है। गुड़िया का पति ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन अपनी कमाई से अच्छा गुजारा करता। समय बीतता गया। एक दिन गुड़िया के पति का एक्सीडेंट हो जाता है। माँ थोड़े पैसे दे दो, मानू जी का एक्सीडेंट हो गया है, घर में एक रुपया तक नहीं। बहुत जल्द मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। चुप हो जा मेरी बेटी, रो मत, बुरा समय बीत जाएगा, ये ले पहले कुछ खा ले। मम्मा चिड़िया एक फल गुड़िया को खिला देती है। बेटी मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं, तू एक काम कर, जुलको के घर चली जा, वो तेरे पति का सुनके तेरी मदद जरूर करेगी। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता वो मुझे पैसे देंगी। शादी के बाद उन्होंने एक बार भी मुझसे बात तक नहीं की, वो बहुत घमंडी हो गई है, मैं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं तो माँ हूँ जुलको की, एक काम करती हूँ, अगर गुड़िया नहीं गई तो मैं ही चली जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जुलको के घर चली जाती है। गुड़िया के पूरे हालात के बारे में उसे बता देती है। माँ, इस समय मेरे पास भी पैसों की बहुत तंगी है, मैं कहाँ से पैसे दूँ आपको? बेटी जुलको, गुड़िया के पति का एक्सीडेंट हुआ है, तो उससे मिला, गुड़िया को अच्छा लगेगा। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी उस छोटे से झोपड़े में, बैठने के लिए नरम घोंसले तो होंगे नहीं, जमीन पे मैं नहीं बैठूंगी। वाह बेटी वाह, तू इतनी बदल जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ही पागल थी जो तेरे पास आ गई, वो गुड़िया मुझसे कहीं ज्यादा समझदार निकली। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो बूढ़ी होने के बाद भी मजदूरी पर जाती है और थोड़े पैसे कमाकर गुड़िया को देने लगती है। ऐसे गुड़िया का गुजारा हो जाता है। वो एक अंडे को जन्म देती है जिससे उसे एक बेटा पक्षी भी हो चुका था। रानो माँ जी, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, आपने मेरा मुश्किल समय में कितना साथ दिया और मेरी पत्नी बच्चे का पालन पोषण किया। बेटा तू भी तो मेरा बेटा है और माँ अपने बच्चों को कभी मुसीबत में नहीं छोड़ सकती। माँ जी अब आप घर में ही रहें, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और कोई काम शुरू करता हूँ। मानो जी आप कपड़ों की दुकान लगा लें, ये काम बहुत अच्छा होता है। हाँ गुड़िया आप बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर मानो चिड़ा कपड़ों की दुकान खोल लेता है और दिन पे दिन उसके व्यापार में खूब तरक्की होती, वो जल्द ही अमीर बन जाते हैं। इधर जुलको का पति एक बड़ी बीमारी में घिर जाता है, उसका इलाज कराते कराते सब कुछ बिच जाता है, वो तो बिल्कुल गरीब हो जाती है। देखे माँ, पता नहीं सब कुछ कैसे खत्म हो गया, फिर भी मेरा पति ठीक नहीं है, अब तो इलाज के लिए भी पूरे पैसे नहीं है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। जुलको अब पता चला तुझे, तेरी बहन भी कितनी मुश्किल में थी, लेकिन उस समय तुझे बहुत घमंड था, उसके पति को देखने तक नहीं गई थी तू। माँ मुझे माफ कर दे, मेरे पति का पूरा इलाज होना बहुत जरूरी है, मुझे पैसे दिला दे।
जुलको, गुड़िया तेरी जैसी बिल्कुल नहीं है, जा उससे थोड़ी मदद मांग ले। मेरे तो पंखों में दर्द रहने लगा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। फिर जुलको गुड़िया के घर जाती है, वो तो फूट फूट कर रोती है। अरे जुलको तू रो मत, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, तू जितने चाहे उतने पैसे ले जा और अपने पति का पूरा इलाज करवा। गुड़िया बहन मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो गई थी, तुम सबको भूल गई, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे ये दिन दिखाया है। वो तो है जुलको बहन, पैसे के घमंड में अपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं। गुड़िया उसे पैसे दे देती है। अब जुलको को पता चल गया था उसने कितनी बड़ी गलती की थी अपनी माँ और बहन को भुलाकर। प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।